हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाएं और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। रविवार 30 जुलाई को जयपुर के भाजपा कार्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा राजस्थान द्वारा सूफी संवाद महाअभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ तथा मोर्चे के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हमीद खान मेवाती का स्वागत एवं सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि हर जिले में सूफियों को जोड़ा जाए तथा पार्टी की रीति नीति से अवगत कराएं। वक्ताओं ने बताया कि हर जिले में अभियान चलाया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इस हेतु संयोजक और सह संयोजक की जल्द ही घोषणा की जाएगी। जयपुर से एकता समाचार की रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज के सूफी संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदि जनाब जमाल सिद्दीकी के साथ मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदि जनाब हुसैन खान साहब, इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय से संयोजक भाई अफसान चिश्ती साहब, डॉक्टर असलम जी और हमारे मोर्चे के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनाब एम सादिक साहब और हमारे राजस्थान सूफी संवाद कार्यक्रम के प्रदेश के संयोजक कासम अली राठौर जी, जावेद कुरैशी जी, उस्मान चौहान जी और सम्मानित सभी सूफी संवाद कार्यक्रम से जुड़े हुए कार्यकर्ता बंधु, मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर आता है। हम तो दरिया है, हमें अपना हुनर आता है। जिधर बहते हैं रास्ता खुद पे खुद बन जाता है। क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे एक छोटे से बुलावे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज राजस्थान की इस पावन धरती गुलाबनगरी जयपुर में पधारे। सबसे पहले तो मैं पूरे राजस्थान की अल्पसंख्यक मोर्चा के टीम की तरफ से हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब जमाल सिद्दीकी साहब का स्वागत करता हूँ, बात करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम राष्ट्रीय लेवल से जो हमें दिया गया है, इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में कैसे चलाया जाए, इस अभियान में तेजी कैसे लाई जाए, एक अच्छी सोच, अच्छे विचार राष्ट्रीय देवी ने जिस तरह से इस कार्यक्रम को हमको दिया, हमारे सैयद अफसान चिश्ती साहब जो कन्वीनर है राष्ट्रीय लेवल के, इसके उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आगे भी हम राजस्थान की जो भी हमारी प्रमुख दरगाहें हैं, बड़े मदरसे हैं, बड़े आलिमों से भी मिलेंगे जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके पास जाकर माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उन योजनाओं को आप लोगों के माध्यम से कैसे जनता तक पहुंचाया जाए। क्योंकि जो हमारे मौलवी उलमाएं जो लोग दरगाहों पर मदरसों जो चलाते हैं, उन लोगों की एक समाज में अलग पहचान है, उस पहचान का हमें फायदा लेना चाहिए। माननीय मोदी जी जो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो बात करते हैं, उसको हमें आगे बढ़ाने का काम करना है। आज इस सूफी संवाद के कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे राष्ट्रपति जी पधारे, मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी राजस्थान की टीम को जिन्होंने आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया, आपने यहाँ बुलाया, सम्मान किया, उसके लिए मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भाई हमीद मेवाती जी मंच में तशरीफ फरमा, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहम्मद हुसैन खान साहब, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य, सूफी संवाद अभियान के प्रभारी डॉक्टर असलम साहब, सूफी संवाद अभियान के राष्ट्रीय सह प्रभारी अफसान चिश्ती साहब, पूर्व अध्यक्ष साजिद साहब,
राजस्थान अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से सूफी सरवार अभियान के प्रभारी कासिम भाई यहाँ पर मौजूद, जिले के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी साथियों और आपकाधिक बहने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग में बैठक में इस बात को कहा है कि अगर मुल्क में अमन को कायम करना है तो सूफिज्म को बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि सूफिज्म जहां जहां है वहां वहां दहशतगर्दी कभी फर्क नहीं पाई। और उसी बात को मैंने आगे बढ़ाते हुए देश भर में जो सूफी है, जो संत है, उनको माननीय प्रधानमंत्री के साथ जोड़ने का काम शुरू किया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मुझे यकीन है कि हम सब लोग साथ मिलकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस सपने को पूरा करें। हिंदुस्तान से साजिश के तहत जो सूफिज्म को खत्म किया गया है, कमजोर किया गया है, उसको मजबूत करके देश को मजबूत बनाने का काम करेंगे। ये बात सही है कि ये देश सूफी संतों का, ये बात सही है कि इस देश में जो सूफी परंपरा है वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है। जो सूफी है वो सबके लिए दुआ करते हैं, जो सूफी है वो सबको साथ जोड़ने की बात करते हैं, जो सूफी के खानका है, जो उनकी विचारधारा है उसमें कहीं कोई भेद नहीं। जो भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना है वो और सूफी विचारधारा दोनों एक है। हमें जो ये कड़ी टूटी हुई है, जो गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करने के लिए हमारे सूफी संतों ने त्याग किए, जो भाईचारे को मजबूत करने के लिए खानकाहों ने काम किए,